सो हेलो एवरी वन वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन ठीक है तो ये आपका दिन है दूसरा और आपका पहला जो क्वेश्चन था इट वॉज़ दैट राइट आ शॉर्ट नोट ऑन स्टीवर्ड्स कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच कि जो स्टीवर्ड की कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच है उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है तो दस मार्कर ये क्वेश्चन था दस मार्कर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास दो पेज हैं तो इनिशियली जब आप क्वेश्चन को देखते हो ट्राई टू स्ट्रक्चराइज दिस ठीक है पहले यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा जो आपने कंटेंट पढ़ रखा है आपके नोट से वो कौन कौन सा जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है देखिए अब मैं स्टार्ट करूँगा अगर मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म से या फिर मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म क्या होता है उसका करक्स आइडिया क्या है ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो सबसे पहले मल्टीलिनियल एवोल्यूशन वाले थॉट को छोड़ दो डायरेक्टली मल्टीलिनियल एवोल्यूशन किस चीज के ऊपर uh, किस कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है किस मेथडोलॉजी के ऊपर टिका हुआ है दैट इज योर कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच ठीक है सो डायरेक्टली स्टार्ट विथ दिस कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच ठीक है तो सीधा इसी से स्टार्ट कर दीजिए द इंट्रोडक्शन इट शुड बी टू द पॉइंट कि चीजों को आपने किस तरह से समझा है देखिए आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के ही एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन में उसको क्या चीजें मिलने वाली हैं अगर आपका इंट्रोडक्शन ही बीटिंग अराउंड द बुश कर रहा है तो एग्जामिनर के दिमाग में यही धारणा बन जाती है कि इसकी बॉडी में कुछ नहीं मिलने वाला मुझे ठीक है तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है यू शुड बी एबल टू राइट टू द पॉइंट टू द पॉइंट चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए ठीक है सीधा स्टार्ट कीजिए कि जूलियन स्टीवर्ट ने मल मल्टी लीनियल एवोल्यूशन की थ्योरी दी और मल्टीलिनियल एवोल्यूशन की थ्योरी के लिए उन्होंने कल्चरल uh, मतलब उनकी जो किताब थी द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज उसमें मल्टीलिनियल एवोल्यूशन थ्योरी दी और इस थ्योरी के लिए उन्होंने कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया ठीक है दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद इन द सेकेंड पैराग्राफ राइट द क्रक्स ऑफ दी अप्रोच अप्रोच का क्रक्स लिख दीजिए कि अप्रोच क्या है ठीक है क्वेश्चन को सिंपल बनाइए जितना सिंपल बनाएंगे क्वेश्चन उतना आपका टाइम बचेगा जितना टाइम बचेगा उतना पेपर में ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं क्वेश्चन शुड बी टू द पॉइंट अगर ये क्वेश्चन डेढ़ पेज में भी पूरा हो रहा है चीजों को आप लिख रहे हो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपने लिख रखी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया नंबर ही आएंगे पर दिक्कत तब आती है जब आप इनोवेशन तो पूरी कर देते हो क्वेश्चन में लेकिन जो असेंशियल पार्ट है क्वेश्चन का वो छूट जाता है कल्चरल कोर क्या होती है व्हाट आर द कैजुअलिटीज कैजुअलिटी फीचर्स क्या है तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं छूटनी चाहिए आपकी ठीक है डायग्राम बना दिया बहुत अच्छी बात है डायग्राम से आंसर और भी अच्छा लगता है ठीक है बट जो मेन चीजें हैं वो जरूर आप लिखिए सो ही so ये आपकी थ्योरी का क्रक्स आ गया तो उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट और कल्चर कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते बोथ दे आर इन डायलेक्ट्रिक इंटरप्ले ठीक है और इस इंटरप्ले को उन्होंने फीडबैक फीडबैक रेसिप्रोसिटी का नाम दिया या फिर रेसिप्रोक रेसिप्रोकल इंटरप्ले का नाम दिया ठीक है सो दिस इज क्रक्स ऑफ द आंसर दिस इज क्रक्स ऑफ द अप्रोच कि जो कल्चर है और एनवायरमेंट है कभी भी उनको सेपरेट एंटिटीज की तरह मत देखिए दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और इस मेलजोल का नाम उनको उनको दे दिया रेसिप्रोकल इंटरप्ले ठीक है और इसीलिए उन्होंने कहा कि कल्चरल इकोलॉजिस्ट का जो गोल होना चाहिए उसका गोल है टू कलेक्ट एनालाइज एंड एक्सप्लेन डाटा ऑन फॉलोइंग फ्रंट्स इन चार फ्रंट्स के ऊपर उसे डाटा कलेक्ट करना है और जो आपकी आपका जो कंक्लूजन है वो देना है ठीक है कौन कौन से फ्रंट्स थे कोर फीचर्स कल्चरल कैजुअलिटी लेवल ऑफ सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल टाइप्स ठीक है तो इन चार फ्रंट्स के ऊपर उसको जो अपनी थ्योरी है उसको जो अपना डाटा है वो कलेक्ट करना है ठीक है देखिए कंटिन्यूटी देखिए क्वेश्चन में आपने क्रक्स दिया फिर उसके बाद आप अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर घुस गए ठीक है जो चार मेन मेन की फीचर्स थे वो आपने लिख दिए ठीक है सेकंड पैराग्राफ में आपने क्रक्स दे दिया थर्ड पैराग्राफ में आपने जो मेन मेन फीचर्स हैं वो आपने सारे के सारे लिख दिए अब आपके कीवर्ड्स ओवर हो गए जितने कीवर्ड्स आपने लिखने थे या फिर जो की फीचर्स की पॉइंट्स लिखने थे थर्ड पैराग्राफ तक आपने आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवर हो गई ठीक है नाउ आगे चल के आप इनको ही एक्सप्लेन कीजिए आपके नंबर अच्छे आएंगे ठीक है क्वेश्चन को सिंपल बनाइए जितना सिंपल हो सकता है ओके कोर फीचर्स को डिफाइन कर दीजिए वाट आर द कोर फीचर्स कोर फीचर इट इज़ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो कि आपके साथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और एनर्जी को वो एक्सट्रैक्ट करती है इन्वायरमेंट से कैजुअलिटी फीचर्स जो कि आपके पास कल्चर कैजुअलिटी जैसे जोग्राफिकल फीचर्स हो गए आपके पास इकोनॉमिकल uh, फीचर्स uh, हो गए ठीक है जो कि आपके पास सिमिलर टेक्नोलॉजी बनाती है दो कल्चर्स की सिमिलर टेक्नोलॉजी बनती है देन द लेवल ऑफ द सोशो पोलिटिकल डेवलपमेंट ठीक है मैं इन चीजों को इसलिए समझा नहीं रहा हूँ बिकॉज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म जूलियन स्टीवर्ट के ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा ठीक है वहां पे हम चीज़ें समझाएंगे कि ये कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है ये फैक्टर्स देन सोशो पोलिटिकल डेवलपमेंट देन द कल्चरल टाइप्स जिनकी ये तीन फीचर सेम होती हैं उनकी कल्चर टाइप एक ही तरह की होती है यानी कि वो एक लाइन में इवॉल्व करेंगे तो इनका मतलब क्या था कि ये जो तीन फीचर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो लाइंस सेम होगी या डिफरेंट होगी दो तो कल्चर की मल्टीलिनियल एवोल्यूशन के क्रक्स तो यही है ना ठीक है और इनको एक्सप्लेन करने के लिए एलिस्ट्रेशन दिया उन्होंने एक एग्जांपल दिया ठीक है देखिए ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर टेन मार्कर आता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट अगर फिफ्टीन मार्कर आता है इस इसी तरह का देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का पार्ट बढ़ जाएगा और कुछ नहीं ओके एलिस्ट्रेशन एलस्ट्रेशन में उन्होंने क्या दिया कि पांच सिविलाइजेशन दी हिस्टोरिकल पांच सिविलाइजेशन दी पेरू सिविलाइजेशन मीजो अमेरिकन मैसोपेटामियन इजिप्ट और चाइनीज ये पांच सिविलाइजेशन दी और पांच सिविलाइजेशन के कल्चरल कोर को समझाया कैजुअलिटी को समझाया सोशो पोलिटिकल डेवलपमेंट को समझाया और कल्चरल टाइप्स को समझाया ठीक है तो कल्चरल कोर आपके पास क्या थी आपके पास कौन सा कौन सी टेक्नोलॉजी बनी उसके बाद कैजुअलिटी फ़ीचर्स क्या थे जोग्राफिकल जोग्राफिकल क्लाइमेट क्या था ठीक है फिर सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना तीनों में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम है देअर फोर आपके पास एक ही कल्चरल टाइप को ये पांचों के पांचों बिलोंग करते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म के ऊपर आ जाते हैं क्रिटिसिज्म इट वॉज गिवन बाय रॉयर एपापॉट ठीक है रॉयर एपापॉट का जो क्रिटिसिज्म है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रॉयर एपापॉट ये क्रिटिसिज्म देने के बाद कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच को ये आगे लेके जाते हैं ठीक है और आगे चल के यही अप्रोच का नाम पड़ जाता है जब इस अप्रोच की डेवलपमेंट होती है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ठीक है तो रॉयल रेपापोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो इट हैज़ नॉट कंसिडर्ड द इनर्जी फैक्टर इनर्जी फैक्टर पर्टिकुलरली अच्छी तरह से कंसिडर नहीं किया वो वाइट ने कंसिडर किया है एनर्जी फैक्टर को ठीक है और नॉट ऑलवेज जो टेक्नोलॉजी है वो कोर फीचर बनती है हमेशा टेक्नोलॉजी कोर फीचर नहीं बनती कई कई बार आइडियोलॉजी और रिलीजन भी कोर फीचर बन जाता है फॉर एग्जाम्पल सिम्बागा मैरिंग तो सिम्बागा मैरिंग में क्या होता है कि जो पिग फीस्ट है एक टाइम के बाद पिग फीस्ट को आयोजित किया जाता है ठीक है पिग फीस्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो पिग्स होते हैं उनको स्लॉटर कर दिया जाता है क्यों स्लॉटरिंग होती है क्योंकि वो सिम्बागा मैरिंग नाम का एक जो पर्योडिक फेस्टिवल है वो मनाते हैं ठीक है तो उसकी वजह से जो पिग्स हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो पाती है इस फेस्टिवल की वजह से सो दिस इज़ ड्यू टू अ रिलीजियस फेस्टिवल और एन आइडियोलॉजिकल फेस्टिवल जिसकी वजह जिसने कि आपके पास आ, एक लिमिटेशन दे रखी है वहाँ पे ओके सो दीज आर द टू बेसिक टू मेन क्रिटिसिजम जो आपको लिखने ही लिखने हैं और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है इसको आपके पास मेरविन uh, हैरिस ने क्रिटिसाइज़ किया है बट दीज टू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बाद आपने कंक्लूजन भी लिखना है इन कंक्लूजन यू कैन राइट द पॉइंट ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कि जब आपको ट्राइबल्स को सेटल करना होता है देन दिस इज द बेस्ट अप्रोच इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट अप्रोच कि उसकी उनकी सेटलमेंट कहाँ पे की जानी चाहिए ताकि जो उनका कल्चर है और जो इन्वायरमेंट जिसमें उनकी सेटलमेंट कर रहे हो वो एक टेंडम में रहें ठीक है मुंडास की सेटलमेंट अगर आप किसी एरिया में कर दोगे पंजाब में कर दोगे मुंडास कैसे जीवित रह पाएंगे उनका कल्चर कैसे जीवित रह पाएगा ठीक है उनकी सेटलमेंट वहीं पे होगी जहाँ पे बेंबूज हैं उसी इकोलॉजी के ऊपर होगी बिकॉज बेंबू के इर्द गिर्द ही वो उनका जो सारा कल्चर है वो घूमता है ओके सो दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड इस तरह से कंक्लूड कीजिए मतलब चीज़ों को समझिए फिर उसके बाद आंसर को स्ट्रक्चराइज कीजिए फिर लिखने की कोशिश कीजिए ये इनिशियली जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी टाइम लेती है बट वंस यू आर एबल टू टैकल दिस पर्टिकुलर थिंग्स देन कोई दिक्कत नहीं होगी फिर सही हो जाएगा सब कुछ ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एज अर्ली एज पॉसिबल थैंक यू वेरी मच